बच्चों आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी आज 28 फरवरी को संस्कृत का अपना पेपर देकर आ चुके हैं उनके लिए 818 एच वाले कोड को लेकर आ चुके हैं। और बच्चों इस वीडियो माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे कोड के सारे प्रश्नों का A to Z एनालिसिस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। और बच्चों वीडियो को देखने के बाद आप लोग वीडियो के एंड में जरूर अपना स्कोर शेयर करना कि आप 20 वाले MCQ में कितना सही की हो कितना गलती की हो, ठीक ना। आइए बच्चों सबसे पहला हमारा प्रश्न ये पूछा गया था गद्यांश वाले क्वेश्चन से, क्योंकि गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा, ठीक ना, विश्व कवि रविंद्र हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रविंद्र से जनक का आशित इनके पिता का नाम क्या था। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला देवेंद्रनाथ हो जाएगा, ठीक ना। अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लोकमानव तिलकेन रचितस्य गीताभाषस्य नाम किम, यानी कि लोकमानव तिलक के द्वारा रचा गया गीता का नाम क्या था। बच्चों तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, गीता रहस्यम हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जो भी बच्चे लगाए होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि भारद्वाज अनुसारम के न श्रीवंती न च पश्यंतु, यानी कि भारद्वाज के अनुसार कौन सुन नहीं सकता है और कौन बोल नहीं सकता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया था, वृक्षा मानवा मानभूतानी और शब्दा। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना क्या होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर शब्दा हो सकता है, क्योंकि ना शब्द सुन सकता है और ना कोई शब्द बोल सकता है, ठीक है। चलिए फिर भी यहाँ पे मानव को लगाया गया, एक बार फीडबैक देना क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये मैंने क्वेश्चन आपको कई बार करवा रखा है कि पृथ्वीयाम कति रत्नानि सन्ति त्रिणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आत्मवंशम सर्वम किम, आत्मवंशम सर्वम किम यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर छठवा का, यहाँ पे सुखम हो जाएगा सुखम। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर बी को टिक किया होगा उसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों मैंने जितना यहाँ पे क्लास में क्वेश्चन बताया था ना, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर टकरा गए हैं। देख सकते हैं कि गीताली इति काव्यस्य रचयिता का, यानी गीताली के काव्य के रचयिता कौन है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कवि भानु। इस क्वेश्चन को तैयार करके यहाँ पे देख सकते हैं कई बार पेपर में, किम नाटकम दृष्टा गांधीना हृदयम परिवर्तनम, माने किस नाटक को देखकर गांधी जी का हृदय परिवर्तन हो गया था। बच्चों आज ही के सुबह में मैंने आप सभी इस क्वेश्चन करवाया था, क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि राजा भोज कस्य नगर से आसीद, राजा भोज किस नगर के निवासी थे, कहाँ रहते थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा धारा नगर, क्या हो जाएगा बच्चों, धारा नगर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि भैया आपने कितना स्कोर किया है और मैंने जो पढ़ाया था वो टकराया है कि नहीं टकराया है, आप लोग जरूर बताना। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अध्यापक अफताबम कस्य चरित विषय प्रश्नम अपृष्ठ, माने अध्यापक ने अध्यापक अफताब से किस क्वेश्चन को पूछा था, ये आपको बताना है। तो गुरु गोविंद से हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था उपभाग ख से जो ग्रामर का पोर्शन रहने वाला है, एच प्रत्यय के वर्ण है। अभी मैंने आप सभी को सुबह में बताया था एच प्रत्यय कौन वर्ण हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा ए ओ आई ओ हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो भी बच्चे तीसरा लगाए होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, ए वर्ण का ए होगा चाहे आई होगा उसका क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिके होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, शिवोच्चर्य हमें संधि विच्छेद क्या होगा या संधि कौन सा होगा। तो बच्चे इसमें हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा तीसरा। जो भी बच्चे तीसरा को टिके होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रामो गच्छति में इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर पहला रामे गच्छति। बच्चों इस बार इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक ना, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से तो भैया यही होगा, रामे गच्छति हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका राइट आंसर हो सकता है। आगे देख लेते हैं, गा पद का विभक्ति और वचन बताना है कि गा पद का कौन सा व्यक्ति और कौन सा वचन है। तो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, द्वितीय व्यक्ति और बहुवचन हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं कि बधु शब्द के पंचमी विभक्ति और एक वचन का रूप बताना था, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बधवा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पंचमी विभक्ति और एक वचन का रूप क्या होगा, बधवा हो जाएगा, सी ऑप्शन को तैयार करके रखना, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था अतिष्ठित रूप है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ददाति रूप में किस लकार का इस्तेमाल किया गया है, तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा लट लकार, ठीक ना, लट लकार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपंगम में कौन सा समास है, मैंने आप सभी को सुबह में बताया था 3 बजे कि उपंगम में बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सभी का अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है बच्चों, समास विग्रह क्या होगा,
चिकचक्रम पाणो यस्य सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताना कि 20 में आप कितना स्कोर किए हो, जरूर बताना आपके कितना सही हुआ है यही बताना, और मेरे पढ़ाए हुए नंबर से कितना आपका नंबर मिला है ये भी आपको बताना है। अब बच्चों देख लेते हैं आप सभी का उपभाग कम है, यहाँ पे देख सकते हैं नैतिक मूल्य मैंने बताया था भाई, इसको तैयार कर लो आ गया है, सेम से वही वाला फंस गया है, धन्य में वाला ये भी आ गया भैया, जितना मैंने कराया था ना सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन टकरा गए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं गया है। मैंने आपसे बोला था ना भैया सारांश तैयार कर लो, कभी कुल गुरु कालिदास ठीक ना, गुरु नानक वाला सबको तैयार कर लो, आएगा पेपर में, भाषा मुखिया वाला भी आएगा, सर्वंत सुखना वाला भी आएगा, सब चीज टकरा गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया ठीक ना। और मैंने बोला था भाई इसका हिंदी तैयार कर लो, हिंदी सेम से वही वाला आ गया है जो मैंने आपसे भी करवाया था सेम टू सेम। और बच्चों यहाँ पे देखो निबंध मैं आपको दिखाऊंगा, भाषा मुखिया मधुरा दिव्या गिरवार भारती मैंने सब कुछ करवा रखा है, जितना मैंने करवा रखा है सभी के सभी वही वाला क्वेश्चन आया है। और मैंने बोला था जीमूत वाहन का ठीक ना, उसके बाद से वयम भारतीय का सबका, बच्चों क्या करो आप लोग यहाँ पे चरित्र चित्र तैयार कर लो क्योंकि पेपर में पक्का पूछा जाएगा। और मैंने आपको क्या बोला था भैया समय इसका वगैरह लिखना था, व्यक्ति नाम बताना था, और अंत में आगे समझ लेते हैं, मैंने वाच परिवर्तन भी करवा रहा था आप सभी को। अंत में यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आप सभी से बोला था 8 लाइन का निबंध तैयार करना था, परोपकार पे ठीक ना, कुटुंबम पे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर, और यहाँ हिमालय पे, संस्कृत भाषा पर, सभी पे मैं आप सभी को निबंध हल करने का तरीका भी बताया था, किस प्रकार से निबंध हल करना है ठीक ना, सब कुछ मैंने बता रखा था। यानी बच्चों जितना मैंने बताया सारे के सारे क्वेश्चन टकरा गए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने बताया उससे बाहर नहीं है। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर ना होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, और अपना स्कोर जरूर शेयर करना ठीक ना। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।